नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीके। भोपाल, राजधानी भोपाल के हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारे में गुरु नानक जयंती के अवसर पर सभी सिख समाज के श्रद्धालु पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु नानक देव जी के सामने माथा टेका और लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारे के अध्यक्ष परमवीर सिंह ने कहा कि गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व की सभी को बधाई देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान हर साल गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारे पहुंचते हैं। वहीं कृषि कानून वापस लेने को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए यह खुशखबरी दी है, यह देश के लिए खुशी की बात है कि मोदी जी ने 3 कानून वापस ले लिए। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भी देशवासियों को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं दी। वहीं DIG इरशाद वली ने कहा कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसीलिए पुलिस प्रशासन लगाया गया है। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को गुरुनानदेव महाराज के प्रकाश पर्व की लखले बधाई देता हूँ। CM साहब आज ही नहीं आए, हमारे यहाँ जब भी हर साल गुरु नानक जयंती होती है CM साहब आते हैं, तो उनका आना आज विशेष तौर पे नहीं कहेंगे, वो हमेशा ही गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने हमेशा आते हैं। यहाँ तक रही बात, आपने बोला है कि मोदी जी ने 3 कानून वापस ले लिए हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है, इस देश के लिए भी खुशी की बात है। अगर वाकई ही, अभी मैंने देखा नहीं है, मैं देखूंगा, आपके माध्यम से पता लगा है, अगर उन्होंने लिए हैं तो बहुत अच्छा काम है, अच्छा उपराला है, देश और तरक्की करेगा। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर हम लोग भजन कीर्तन लेक्चर कविताएँ करते हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं और यही चलेंगी। शाम को भी दीवान है, रात को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक भी दीवान सजेगा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सरदार परमवीर सिंह वजीर है, मैं यहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमीदिया रोड का अध्यक्ष हूँ। आज गुरु नानक जयंती आज गुरु नानक जयंती के अवसर पर मेरी ओर से सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ यही कहना चाहूँगा कि जो संदेश गुरु नानक जी ने दुनिया को दिया है वही संदेश हम सब लोग अपने अपने जीवन में अपनाएं, माने, और इसी के साथ पुनः सभी को प्रकाश पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, सारे हर तरह के श्रद्धालु आ रहे हैं, हम लोग का प्रयास है कि किसी भी तरह से यहाँ पे जाम की स्थिति ना बने, लोग जो है श्रद्धालु हर तरह से अच्छी तरह से दर्शन करके, यही व्यवस्था लगी। सर आज रूट प्लान में कोई चेंज रहेगा ट्रैफिक में? नहीं, अभी तो रूट पे नॉर्मल सामान्य ट्रैफिक चल रहा है, अगर भीड़ बढ़ती है और ऐसी स्थिति दिखती तब डाइवर्जेंस करेंगे ताकि किसी तरह इसका असुविधा ना हो लोगों। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।